हेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ पल्सर की ओर से। देखो, बजाज पल्सर 220F डिसकंटिन्यू होने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा सैड हो चुके हैं, बट पल्सर की ओर से गुड न्यूज भी आया है। बजाज पल्सर 220F जो था उसकी इंस्पायर्ड लुक अब आपको 125F पर दिखने वाला है। जी हाँ, बजाज पल्सर 125F अब इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। एंड इस न्यू बजाज पल्सर 125F पर आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है, ऑन रोड प्राइस क्या होगा, एंड यहाँ पर आपको माइलेज कितना मिलेगा, टॉप स्पीड कितना आपको मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सो बिफोर यू स्टार्ट द वीडियो, आपको बस एक लाइक करना है, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बात जान लेना चाहिए कि बजाज अपनी पल्सर सीरीज को बहुत ज्यादा अपडेट एंड चेंजेस दे रहा है, क्योंकि पल्सर सीरीज की जो बाइक है वो बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट हो चुका है, उसकी कलर ग्राफिक्स उतनी भी अपडेटेड नहीं है। इसीलिए बजाज पर जितनी भी बाइक्स आ रहा है पल्सर सीरीज में, आपको वहां पर चेंजेस एंड अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ बाइक डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, जैसे कि 220F डिसकंटिन्यू हो गया है, 200 NS RS 200 अब डिस्कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि NS 200 एंड RS 200 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाला है। बट आप बात किया जाए पल्सर 125F की, सो यहाँ पर लुक्स के बारे में अगर बात किया जाए, सो 220 एंड 180F पर जो लुक्स आपको मिलता है वही लुक्स आपको 125F पर मिलेगा, सेम टू सेम, आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएगा। आप बात करते हैं बाइक की पावर एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, सो पल्सर NS 125 जितनी पावरफुल है मशीन है, आपको वैसे ही पावरफुल मशीन 125F पर भी मिलने वाला है। 124.5 से इंजन मिलने वाला है आपको, जो 13.5 BHP की पावर प्रोवाइड करेगा, एंड आपको यहाँ पर 11.5 Nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बाइक ऑब्वियसली एयर कूलिंग के साथ आएगा, बट फ्रंट के टायर आपको 90x90 सेक्शन का मिलेगा, रियर के टायर आपको 120x80 सेक्शन का मिलेगा। बट आपको डुअल चैनल ABS तो नहीं मिलता यहाँ पर, आपको सिंगल चैनल ABS फ्रंट पर मिलेगा, एंड रियर पर आपको 230mm का डिस्प्ले मिल जाएगा दोस्तों। मीटर कंसोल की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पर देखो NS 125 पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बट NS 125 की जो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आ रहा है वहां पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन जैसा ऑप्शन मिल जाएगा। आपने अगर वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा। पल्सर 125F की अगर मीटर कंसोल की बात किया जाए, सो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन, गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे ऑप्शन आपको मिलता रहेगा, एंड फ्यूल गेज भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एंड बाइक की जितनी भी लाइटिंग सेटअप होगा दोस्तों वो LED के साथ आएगा। बाइक की फ्रंट पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा। अब बात करते हैं इस न्यू बजाज पल्सर 125F की माइलेज एंड ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो देखो, इसकी ऑन रोड प्राइस 1,05,000 तक जाने वाला है, एज कम्पेयर टू NS 125 इसकी प्राइस थोड़ी सी सेम रहने वाला है उससे। एंड यहाँ पर आपको माइलेज की बात किया जाए, सो डेफिनेटली आपको 45 से 50 तक माइलेज देखने को मिल जाएगा इजिली। NS 125 की माइलेज आपको 45 से 50 तक देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम माइलेज ही मिलेगा दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड आप अगर इस मॉडल के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।